लेकिन बस आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। व्यूअर्स मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। तो आज का लेक्चर नंबर 38 है, और आज के लेक्चर में हम लोग पेन टूल के कुछ रूल्स को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों का लेक्चर था फ्री फॉर्म पेन टूल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप पेन टूल के ये सब मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर में मिलेगा एड एंड जोर पॉइंट टूल। आज का लेक्चर हमारा इस चीज़ का है, ठीक है। तो मैं ऐड एंड जोर पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके मेन्यू बार में कि इसके मेन्यू बार में तकरीबन कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका बहुत छोटा सा इस्तेमाल है लेकिन बहुत अहम इस्तेमाल है कि पेन टूल के साथ अगर मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद ऐड एंड जोर पॉइंट के साथ क्या होगा कि अगर मुझे इस शेप को और ज़्यादा यानी कि अट्रैक्टिव बनाना है या इसमें और ज़्यादा मुझे काम करना है, तो मेरे पास तो सिर्फ ये चार नोट है ना, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ पेन टूल के अंदर के पॉइंट्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मज़ीद और पॉइंट चाहिए इसको और ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, और इसका कंट्रोल यानी कि वो पॉइंट भी चाहिए और पॉइंट्स के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते ही ये देखिए इसने एक ये पॉइंट बना दिया, ठीक है। और ये पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, अगर आप गोल दायरे में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इसके साथ मैं इस शेप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ इस तरह, ठीक है। यानी कि इसके साथ मैं न्यू पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ और उन पॉइंट्स के साथ अलग-अलग शेप्स भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें कलर फिट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आकर दो तरीके हैं, एक तो पाथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे बना सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। और लेयर्स में रहकर अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आपने कंट्रोल को प्रेस करना है, जस्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए हो गया। उसके बाद आपने न्यू लेयर भी एड कर देंगे, ठीक है। न्यू लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आप ने लेयर्स के बारे में कन्फर्म नहीं है आपका तो आप मेरे यहाँ से ऊपर के लेक्चर ले सकते हैं लेयर के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि लेयर्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेयर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने न्यू लेयर बनाई, न्यू लेयर बनाने के बाद कंट्रोल बैकस्पेस कलर फिल कर दिया और कंट्रोल डी डीसेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ प्यारी प्यारी शेप बना सकते हैं। मैंने सिर्फ ये शेप इसलिए बनाई थी कि मैं आपको बता सकूँ कि ऐड एंड जोर पॉइंट क्या चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है व्यूवर्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, Insta24Hours में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, खुदा हाफिज़।